अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम दिखाएंगे आपको VST शक्ति 130DA का क्लच रिपेयर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमको ये टूल चाहिए, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर एक चाहिए, 13 नंबर की चाबी चाहिए, 14-15 की चाबी चाहिए, 16-17 की चाबी चाहिए, 18-19 का रिंग चाहिए हमें, और प्लास चाहिए, और हथौड़ा एक चाहिए। इसके बाद हमें पिन चाहिए, ये वाली और निकालने वाली एक पिन। चलिए दिखाते हैं आपको आप क्लच कैसे खोलेंगे हम। सबसे पहले हम बेल्ट 3 उतारेंगे। सबसे पहले बेल्ट को नीचे उतारेंगे हम। ये देखिए कैसे उतारूंगा मैं, ये देख सकते हैं आप, दो मैंने उतार दिए। अब तीसरा उतारेंगे, ये हो गया। रखेंगे इनको पहले हम साइड में, ये हमने रख दिए इधर। इसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर उठाएंगे और खोलेंगे ये वाले स्क्रू। तीन स्क्रू है यहाँ पे, ये देखिए खुल गए तीनों। रखेंगे हम इनको साइड में। इसके बाद हम प्लास उठाएंगे और इसकी कार्टर पिन जो होती है यहाँ पे लगी हुई, इसका लॉक निकालेंगे पहले। ये देख सकते हैं, ये निकाला मैंने, ये निकल गई। इसको हम साइड में रख के 19 नंबर का रिंग लगता है इसमें। चकनट खोलेंगे हम सबसे पहले इसको। अब देखिए आप क्या करना है। इसके बाद हमें जो ये क्लच है इसको टॉप पे रखना है। रख दिया हमने ये टॉप पे। इसके बाद हमें उठाना है ये वाली पिन और हथौड़ा। ये देखिए कैसे निकलेगी, ये देख सकते हैं, ये देखिए निकल गई। ये निकल चुकी है, इसको रखेंगे हम अभी साइड में इधर। अब हम सबसे पहले ये कवर खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये कवर मैंने खोला है, इसको उठा के हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हम क्लच प्लेट निकालेंगे बाहर और इसकी इनर वॉशर देखेंगे, ये ठीक है, इसको भी रखेंगे साइड में। अब देखते हैं क्लच प्लेट को क्या प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए क्लच प्लेट इसका टूट गया है यहाँ पे और यहाँ पे भी टूट चुका है। अब खोलते हैं इसको पहले। चलिए हम खोलेंगे पहले ये, इसको लगता है 17 नंबर की चाबी और 14 नंबर की चाबी। ये लॉक होते हैं ये बोल्ट करके। अब देखिए मैं लॉक कैसे खोलूंगा इसको। ये खुल चुका है एक, अब दूसरे बोल्ट का लॉक खोलेंगे। खुल गया, निकाल के रखेंगे। ये मैंने रखे साइड में। अब ये वाले नट खोलेंगे हम। दूसरा वाला खोलेंगे, तीसरा वाला खोलेंगे। अब हम निकालेंगे ये बाहर, निकालेंगे बाहर। चार स्प्रिंग रहती है इसमें और इसके बाद हम कप निकालेंगे बाहर। ये भी चार रहते हैं इसमें। इसके बाद हम उठाएंगे क्लच हब को। सबसे पहले देखेंगे हब ठीक है इसका, ये देख सकते हैं ये तो ठीक है इसका। ये देखिए क्लच प्लेट इसका टूट चुका है एक, दूसरा भी टूटा हुआ है देख सकते हैं, तीसरा भी क्रैक है यहाँ पे। चलिए अब इनको पहले थोड़ा सा साफ करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे करना है इसको साफ। इसके जंग चढ़ गया था थोड़ा सा, इसी को हमें साफ करना है। ये देखिए हो गई ये साफ। अब दिखाते हैं आपको कैसे लगाएंगे। अब इन सब चीजों को हम पहले अच्छे से साफ करेंगे। ये देखिए स्प्रिंग भी साफ करेंगे अच्छे से। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग इसकी बिल्कुल फिट है, अच्छी है अभी। ये है इसकी इनर स्पेसर, इनर स्पेसर बोलते हैं इसको। ये भी इसकी ठीक है, ये देख सकते हैं अभी इसको कुछ नहीं हुआ। इसको भी थोड़ा साफ करेंगे। इसका हब भी बिल्कुल ठीक है,
ये देखिए अंदर से दांत भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। यूज करेंगे यहाँ पे VST का कलच प्लेट, देख सकते हैं आप, ये देखिए VST के कलच प्लेट है। अब दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे लगाएंगे हम। ये देखिए सबसे पहले हम उठाएंगे प्रेशर प्लेट एक लगाएंगे इसमें, उसके बाद कलच प्लेट एक, इसके बाद दूसरा प्रेशर प्लेट, इसके बाद कलच प्लेट और एक, इसके बाद तीसरा प्रेशर प्लेट और कलच प्लेट तीसरा। इसको हम रखेंगे थोड़ा सीधा और ये वाला प्रेशर प्लेट हम इस पे रखेंगे, इसको लगाएंगे हम ऐसे पकड़ के उल्टा करेंगे। फिर ये देख सकते हैं अब हम कप लगाएंगे, कप चार लगा दिया मैंने। अब स्प्रिंग लगाएंगे हम, इसके बाद हम नट लगाएंगे इस पे। इसको थोड़ा पहले सीधा करेंगे, ये देखिए ये टेढ़ा हो चुका है। ये हो गया सीधा, अब इनको टाइट करेंगे पहले। ये देखिए इन पे अब लगाएंगे नट, इस नट का ख्याल रखिएगा, इसको देख सकते हैं आप, ये एक साइड में इसकी चूरी नहीं होती है, दूसरे एक साइड में होता है। ये साइड जो है ये इधर लगाना है ऐसे, दूसरा वाला साइड ऊपर की तरफ। ये हो गया, अब आइए आप यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको इसका मेन अच्छे से क्या करना है। सबसे पहले इसको हमें डाउन करना है और ये वाला बोल्ट हमें खोलना है 13 नंबर का। इसको रखेंगे हम इस साइड में, इसके बाद हमें इसको रखना है सीधा। ये आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे है एडजस्ट इसकी, अगर एडजस्ट ठीक नहीं होगी तो कलच काम नहीं करेगा अच्छे से। ये देख सकते हैं अभी ये बाहर है, इसको अच्छे से ठीक करना है हम अंदर से। यहाँ से देखिए आप ये वाला नट, देखिए आप ये वाला नट कहाँ पे है, इसको कितनी गेप है, इसको कोई गेप नहीं है। अभी इसको हम करेंगे टाइट, अभी थोड़ा सा टाइट पकड़ के और देखेंगे कौन सा वाला नट खुलेगा। ये देखिए सब नट बराबर आ चुके हैं, अब निकालेंगे बाहर, इसको करेंगे यहाँ पे लॉक इसको। अब ये देखिए लॉक कैसे करना है इसको, ये वाली 14 नंबर की चाबी लेनी है ये बाएं वाले हाथ में, इसको अच्छे से एक ही जगह पकड़ना है, साइलेंट रखना है इसको और नीचे वाला हमें घुमाना है, टाइट करना है इसको लॉक। ये देख सकते हैं इसको एक ही जगह में रखूंगा, नीचे वाला मैं टाइट करूंगा। ये देखिए अब हम इसको करेंगे लगाएंगे इसमें पहले, ये देख सकते हैं आप, ये हम इनर वॉशर डालेंगे हम इसमें पहले, इसके बाद हम कलच प्लेट डालेंगे, इसके बाद रहते ये देखिए इसको पहले हम साफ करेंगे। ये हो गया साफ, अब इसके पेच हम वापस लगाएंगे। हम पहले इसको चेक करेंगे इसमें ग्रीस है या नहीं, इसको थोड़ी सी ग्रीस भरते हैं, इसको जरूरी है ग्रीस भरना, थोड़ी सी ग्रीस भरनी पड़ेगी इसमें। ये देखिए बस ज्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी सी भरनी। ये हो गया, अब देखिए अब इसको लगाएंगे हम वापस कलच प्लेट, पुल्ली को लगाएंगे हम वापस। अब ये वाली पिन हमें काम आएगी, ये देखिए कैसे, ज्यादा जोर से नहीं मारना इसको, आराम आराम से। ये हो गया, अब हम आउटर स्पेसर लगाएंगे पहले, इसके बाद चक नट लगाएंगे। अब ये देख सकते हैं इसका, इसकी क्वार्टर पिन होती है, ये लॉक होता है चकनट का, ताकि चकनट वापस ना आए। अब हमें ये लगाना है, इसको लॉक करना है, ये हो चुका है लॉक। अब हम इसका कप लगाएंगे, सबसे पहले इसकी पैकिंग लगाएंगे और लगाएंगे हम कप इसका,
ये करेंगे हम इसको टाइट। क्लच रॉड का बोल्ट लगाएंगे हम पहले, पहले हम इसको ऐसे ही लगाएंगे, देखते हैं। अब इसकी एडजस्ट करनी है हमें, इसको टाइट करेंगे हम पहले, टाइट करेंगे हम पहले इसको। अब हम लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप, थर्ड गियर लगाएंगे हम, वो भी हाई में। ये लगा लिया हमने, अब क्लच को ऊपर खींचते हैं, देखते हैं रिलीज कहाँ पे होती है। ये देखिए, ये देखो इसकी एडजस्ट बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रिलीज हो रही है क्लच, ये देखो निकल रही है यहाँ पे। बस हो गई इसकी क्लच फिट। अब आपको समझ आ गया होगा क्लच कैसे करना है इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू।